अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आई न्यू रेसिपी जिसका नाम है ग्रिल लैम चॉप्स विद स्मोकी फ्लेवर। इस इज़ लवली रेसिपी, इज़ रियली नाइस। आई एम गोना शो यू हाउ टू कुक इट, हाउ टू डू इट एवरीथिंग। एंड चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी, चले इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये ना बिहारी मसाला, होममेड बिहारी मसाला, ये मैंने 1 स्पून डाल दिया। ठीक है, बिहारी मसाले की भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वन डे। मैं अपनी रेसिपी बताऊँगी उसमें मैं क्या डालती हूँ, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। 1 टेबल 1 टीस्पून बिहारी मसाला, 1 टीस्पून धनिया मसाला, 1 टीस्पून जीरा मसाला। ठीक है, 1 टीस्पून गरम मसाला। ठीक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाफ टी स्पून चाइनीज़ नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लेमन एसिड, हाफ टी स्पून मीट टर्मरिक टर्मरिक पाउडर, योगर्ट 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बिग वन, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून फुल भर के। ठीक है, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है। पिंच जर्दे का कलर, ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, मैंने इसमें हर्ब्स डाला है 1 टीस्पून, और अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने क्या किया, बेबी मैंने इसको मिक्स कर दिया। मैंने इसमें क्या किया, 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस भी डाला था, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके ऐसा रख दिया। अभी मैं इसको है ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। 1 घंटे के लिए ऐसे ही मिक्स करके मसालों के साथ रखूँगी। एंड उसके बाद है ना मैं इसको है ना एयर फ्राई में डालूँगी, एयर फ्राई में डाल के कुक करूँगी। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, एंड मैं अभी आपके से मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर 1 आवर। मैंने क्या किया, ये मेरे पास एयर फ्रायर था, मैंने एयर फ्रायर का ये सब कुछ वॉश करके मैंने इसके अंदर ये क्या क्या कर दिया, ये ग्रीस प्रूफ पेपर डाल दिया। अभी ग्रीस प्रूफ पेपर के अंदर ही ना मैं ना ये जो मैरिनेशन गोश्त किया हुआ था ना, वो मैं इसमें डालूँगी, तो फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गोश्त ऐसा फैला दिया इसके अंदर। ठीक है, अभी ये ना इसको ऐसा डाल डाल के ना ऐसा फैला के रख दें, ऐसा रख दें, और फिर इसको ना एयर वो मशीन के अंदर मैं भी डालूँगी। मैंने क्या किया, ये मशीन के अंदर मैंने डाल दिया। मैंने मशीन को अभी है ना मैं शट कर दूँगी, मशीन को मैंने शट कर दिया। अभी ये जो मेरे पास टाइमर है ना, ये मैं क्या करूँगी पता नहीं। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन में डालें, मशीन नहीं है तो आप ओवन में भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो अभी ये मेरे पास जो है ना ऊपर जो लिखा, ऊपर जो साइन दे रहा है वो चिप्स का दे रहा है ना, तो मैं चिप्स पर नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी चॉप्स पे, ये वाले साइन पर जाऊँगी, और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं चॉप्स की साइन पर आ गई हूँ कि वो चॉप्स बन रहे हैं ना। तो अभी मेरे पास ये टाइमर है, ये मैं टाइमर को हिला बता वो करूँगी, और टाइमर में रखूँगी अभी इसका 15 मिनट्स के लिए। ये देखिए मैंने टेम्परेचर जो इसका टेम्परेचर है ना मैंने रखा, टेम्परेचर तो उसका वैसे ही रहेगा, और इस मिनट मैंने रख दिया 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए 180 का टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर भी दिखा रहा हूँ, 180 पे रखा है 15 मिनट के लिए। और अभी मैं इसको ऑन करूँगी, तो ये 15 मिनट के लिए एक साइड से कुक होगा, फिर 15 मिनट के लिए अंदर। ये देखें मेरा मीट, वेलकम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। ये देखें मेरा मीट बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं इसको फ्लिप ओवर करूँगी, तो फ्लिप ओवर करके ना ऐसे टर्न ओवर करूँगी, बिल्कुल हो गया ये। ठीक है,
ये देखिए मैंने इसको फ्लिप ओवर करके इसको अभी मैं ना मैंने ये ना इसको कर दिया, ये मैंने फ्लिप ओवर किया तो अभी ये ना हो गया। ये अभी इसको मैं 5 मिनट के लिए और रखूँगी तो ये डन हो जाएगा। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये मैंने इसको 5 मिनट के लिए और रख दिया, ठीक है। देखिए मेरी फाइनल लुक आ गई है मेरे लैम चॉप्स की। और ये मैंने इसको ऐसा डेकोरेट कर लिया है और ये बिल्कुल अभी कुक हो गए हैं, सारे पक गए हैं ये तो, सारा कुक हो गए, बिल्कुल पक गए हैं। तो अभी आप इसे सर्व कर सकते हैं ऐसी डेकोरेशन करके करके। और ये लाइक इट्स रियली टेस्टी, इट्स रियली नाइस। इफ़ यू ट्राई माई रेसिपी इट्स रियली लवली। सो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी तो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक एंड शेयर माई वीडियो, गिव मी द सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड पुट द बेल बटन ऑन, प्रेस द बेल बटन प्लीज़। एंड इफ़ यू लाइक माई इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच माई वीडियो फर्स्ट सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय विद माई नेक्स्ट रेसिपी।